हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको लाए हैं संजय वन, बाकी हम आपको दिखाते हैं, संजय वन घुमाते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। हम पहुंच चुके हैं, ये है आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से बना है ये संजय वन का गेट नंबर 3। तो जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे, आपको ये कुछ इस तरह का डायरेक्शंस दिखेंगी कि इस पूरे पार्क में कहाँ कौन सी जगह है। हाँ गाइस, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। हाँ, देखने आगे क्या मिलता है। बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कितना अच्छा नजारा है यहाँ पर। ये संजय वन है जो कि मेहरौली के काफी पास है, कुतुब मीनार से ये मुश्किल से आपका 500 मीटर भी नहीं होगा। देखो वाओ, इतना अच्छा लग रहा है नजारा, नजारे देखो। तो अभी तो हम पहले संजय वन पार्क की जगह हम संजय वन पहुंच गए थे, तो फिर हम वापस आए हैं, अभी चलते हैं। तो आगे दिखाते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से जंगली सूअर तो नहीं है, ये तो वैसी देसी सूअर है, पालतू वाला। तो गाइस, ये जो वॉकवे बनाया है ये वैसे ही पैदल चलने के लिए और साइकिलिंग के लिए बनाया है। हाँ, बाकी जंगल तो पूरा सब जंगल है, देख लो। और हम भी अभी इसी में चल रहे हैं, वैसे हम भी पहली बार आए हैं यहाँ। तो दोस्तों, अब हम यहाँ की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है। तो ये देखो, बड़े 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 पत्थर से बने हुए, अरे चट्टाने रखी हुई है यहाँ पे। ये पत्थर कैसे आए लेकिन यहाँ पर को, बाकी तो प्लेन एरिया है ये। इतनी बड़ी चट्टाने कैसे आई है कुछ। अभी तो जानवर भी सोए होंगे यार, या उठ गए होंगे, क्या लगता है सरो भाई? जानवर? हाँ, मेन तो सारे वही कुत्ते ही है ना, मेन तो। और भी तो हो सकता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लोमड़ी आप दिख जाएंगे आपको नॉर्मली, जैसे कि ये चल रही है, छोटे छोटे लोमड़ी। अब जाते हैं हम इसके थोड़ा पास में, तो देखते हैं कहाँ की और कोई जाती है। लड़सी, ये देखो छोटी सी लोमड़ी है, अभी भाग के जा रही है। दोस्तों ये देखो, काफी सुंदर सा मोर यहाँ पे दिख रहा है हमको। वाह, अभी हमें देख के भागने वाला है शायद। तो मैं इसको आपको और पास से दिखाता हूँ, नजदीक से, और ये भाग रहा है। तो मत भाग, तुमको देखने तो आए हैं। तो ये अभी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, इसलिए ये भाग रहे हैं। तो आपको एक काफी अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ मैं। देखो आप, क्या जबरदस्त सा व्यू है, ये देखो। वाह, मजा आ गया। अरे पक्षी बड़े भाग जा रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, पक्षी है यहाँ पे और ये चहचहा रहे हैं काफी अच्छे से। अगर किसी को पता है कौन सा पक्षी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो काफी खतरनाक सा जानवर दिखाया हमें आगे, ये देखो ब्लैक पैंथर, इसको यहाँ ब्लैक पैंथर नाम से जाना जाता है जानवर। तो देखो आप, अभी मैं इसके बहुत पास जा रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा ये। ये एक और आ गया ब्लैक पैंथर। कहाँ है तुम्हारे बेटे, क्यों छुप रहे हो हमें देख के? इनके छोनो मोनो भी दिख नहीं रहे। इनके चुन्नू मुन्नू पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये देखो दोस्तों, अब हम इस तरफ जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको अभी तक इसमें सूअर दिखा दिया, लोमड़ी दिखा दी है, और हमने मोर दिखा दिया, और हमने आपको ब्लैक पैंथर भी दिखा दिया है। अब देखो हमें कोई और दूसरा जानवर दिखता है तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। वो देखो, शेर की धड़ाधड़ने की आवाज आ रही है पीछे से, लगता है कोई शेर से बड़ा जानवर आ गया है यहाँ पर। अरे भाई, फिर अभी शादी आपकी है अगले महीने 23 तारीख को शादी है, तो क्या क्या तैयारी हो गई फिर आपकी उसके लिए? बस ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। अच्छा, बढ़िया। अब तो आपकी एक न्यू लाइफ की स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में कैसा, थोड़ी एक्साइटमेंट, क्या
नर्वसनेस क्या कैसा है, कुछ क्या बोलना चाहोगे? बस अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, हम भी यही आपके लिए वो करेंगे कि आपका हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। तो अरे वाह बढ़िया, तो सही है दोस्तों। तो अगले मंथ हमारे मद्रासी भाई सौरभ भाई की शादी है 23 नवंबर को, तो आप लोग सब इन्वाइटेड हैं, जो जो हमारे सब्सक्राइबर है आप इन्वाइटेड हैं, और बाकी हम आपको उसका व्लॉग भी बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं इस टावर के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, इससे हम आपको दिखाएंगे कुछ एरियल शॉट। दोस्तों देखो बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है ऊपर से, देख रहे हैं ये देखो दोस्तों नज़ारे, लो हाय हाय नज़ारे। हम यहाँ पर आए हैं, ये देखो हम यहाँ से चढ़ के आए थे ऊपर, इधर से इधर नीचे से फिर आए हम ऊपर को, अब चलते हैं हम दोबारा नीचे। ये देखो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से बतख भी दिख रहे हैं हमें। गाइस देखो नील गाय ना, अभी पता नहीं मेरे ख्याल से हिरन है कि नील गाय है, ये समझ में नहीं आ रहा, पास जाके देखते हैं इसको, इसका क्या रिएक्शन होता है। नहीं करेगा अटैक ना, नील गाय तो नहीं लग रही ना यार, ये वो लग रहा है मुझे, पता नहीं हिरन टाइप का ही कुछ होता है जो बड़े होते हैं। ये देखो दोस्तों ये हमें देख के ही भाग गया। ये देखो गाइस कुछ एक नया पक्षी दिखा है हमें, मेरे ख्याल से माइग्रेटेड वाले पक्षी हैं, जो कि मौसम चेंज होने के कारण दूसरे देश से यहाँ आ जाते हैं, या मुझे पता नहीं है, अगर किसी को पता है पता चल पा रहा है तो हमें बताएं। और ये जैसे इनको लगा कि हम पास आ गए भाग गए। ये देखो तो मस्त इंजॉय कर रहा है, सब दाएं बाएं देखना है इनको, झपट्टा मारी। ये देखो दोस्तों कबूतर सुबह सुबह नहा रहे हैं, ये देखो दोस्तों कैसे पानी पी रहा है बड़े प्यार से, वाह क्या नज़ारा है। छोटू को तो खिला दो, अरे चले गए, अब छोटू की बारी है। ए छोटू, छोटू को तो पिया गया, छोटू को पिला ही नहीं पानी, क्या स्पीड से भागा हो। ये है आचार्य चरक हर्बल गार्डन, तो यहाँ पे हम कुछ हर्ब्स देखते हैं, अगर आप लोगों किसी को पता है कौन कौन से हर्ब्स हैं तो आप बता सकते हैं। ये देखो तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं ना कृपया करके कुछ मार्क करते जाएं, क्योंकि हम लोग पिछले एक घंटे से हम बाहर निकलने की सोच रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ गेट है। हाँ और सारा एरिया लगभग लगभग एक जैसा ही दिख रहा है, और सारे बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे। जल्दबाजी में हमने आते समय ये करा, हम मार्क नहीं करते कि कहाँ से जा रहे हैं, हम बस चलते गए, क्योंकि हम तो चलते ही जाते हैं, चलते ही जा जाते हैं ना। तो अब देखो हम पिछले हम एक घंटे से बस बाहर निकलने की सोच रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, चलो अब देखते हैं बाहर निकलते हैं। तो हमें दूर से ये वाइट टाइगर दिखा है, सर्बियन टाइगर, ये देखो पूरा पोज लेके बैठा है ये। तो देखो वो जो हमें उस समय जो जानवर अकेला दिखा था अभी एक झुंड में है, तो अगर आप लोगों को किसी को पता है कौन सा जानवर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो फाइनली हमने एग्जिट गेट हमारा हमें मिल चुका है, अब हम चलते हैं यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। जय श्री राम।